नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और नई सफलता की कहानी साझा करने जा रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पूरी दुनिया में स्वतंत्रता संग्राम के लिए हुए आंदोलनों में सर्वप्रथम स्थान पर रखा जाता है। हमारे इस स्वतंत्रता संग्राम में देश के अनेक महापुरुषों और स्त्री पुरुषों ने अपना योगदान दिया है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में पूरी जनता को अगर स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकीकृत रूप से संगठित करने का श्रेय किसी महापुरुष को जाता है तो वह महात्मा गांधी जी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा जीवन भर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया था और देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाई गई थी। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महात्मा गांधी की जीवनी, जीवन परिचय, निबंध, जन्म, मृत्यु, हत्या से संबंधित जानकारी प्रदान कराएंगे ताकि आप गांधी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही इस वीडियो में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों, गांधी जी के प्रमुख कार्यों एवं गांधी जी के जीवन आदर्शों से संबंधी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। महात्मा गांधी जी का प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी ब्रिटिश रियासत में पोरबंदर के दीवान थे, जबकि इनकी माताजी पुतलीबाई धार्मिक स्वभाव की गृहस्थ महिला थी। घर में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल होने के कारण गांधी जी का बचपन से ही अध्यात्म के प्रति लगाव था। साथ ही माता की धार्मिक प्रवृत्ति का भी गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। इसके पश्चात उनका परिवार राजकोट में आकर बस गया था। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया, परंतु वहां गांधी जी को खास रुचि नहीं आई। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड चले गए। इसके बाद इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में ही कस्तूरबा गांधी से हो गया था, जिसके पश्चात 15 वर्ष की आयु में ही गांधी जी के पहले पुत्र का जन्म हुआ, परंतु यह बालक अल्पायु था और जन्म के कुछ समय पश्चात ही इसकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास था। कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी का जीवन भर सभी आंदोलनों में साथ दिया और एक सच्ची सहभागिनी की तरह जीवन भर गांधी जी के साथ रही। महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। इंग्लैंड से अपनी बैरिस्टरी पूरी करने के पश्चात गांधी जी राजकोट में आकर वकालत करने लगे। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारी सेठ अब्दुल्ला के बुलावे पर वे उनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां डरबन से ट्रेन के माध्यम से उन्हें प्रिटोरिया जाना था, जिसके लिए उन्होंने रेल की फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। उन दिनों अफ्रीका में अश्वेत और एशियन लोगों को फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठने की अनुमति नहीं थी, इसलिए अंग्रेज टिकट चेकर ने गांधी जी को पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इस घटना ने गांधी जी को अंदर से झकझोर दिया और उन्होंने इस नस्लभेद के खिलाफ आवाज उठाने का बीड़ा उठा लिया। कई इतिहासकार इस घटना को मोहनदास करमचंद गांधी की महात्मा गांधी बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। इसके पश्चात उन्होंने अफ्रीका में नस्लभेद के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए साल 1894 में नेटल कांग्रेस की स्थापना की। महात्मा गांधी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। दक्षिण अफ्रीकी में नस्लभेद के खिलाफ संघर्ष करने के पश्चात गांधी जी 9 जनवरी 1915 को स्वदेश लौटे और देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान देना शुरू किया। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा से लौटने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था, जिनकी सलाह पर उन्होंने एक वर्ष तक भारत भ्रमण करके देश को समझा। गांधी जी द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 3 मुख्य राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए गए थे, जो इस प्रकार है: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी ने पूरे देश की जनता को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, जिससे कि देश आजादी की ओर अग्रसर हुआ और परिणाम स्वरूप देश को विदेशी शासन से आजादी मिली। महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन।
महात्मा गांधी द्वारा देश में कई प्रमुख आंदोलन किए गए, जिन्हें देश की जनता से भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 3 मुख्य आंदोलन किए गए थे और कई अन्य आंदोलनों को भी समर्थन दिया गया था। गांधी जी द्वारा सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और यह आंदोलन 11 फरवरी 1922 तक चला था। इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे गांधी जी का अंग्रेजों का हर क्षेत्र में असहयोग करना था। गांधी जी जानते थे कि हमारे देश में अंग्रेजों की सत्ता सिर्फ भारतीयों के सहयोग के माध्यम से ही चल रही है। अगर भारतीय अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर देंगे तो अंग्रेज हमारे देश में अधिक समय तक राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए गांधी जी ने देश के लोगों से हर क्षेत्र में अंग्रेजों का असहयोग करने की अपील की। गांधी जी की अपील पर लोगों ने आंदोलन को भरपूर समर्थन दिया। परिणाम स्वरूप हजारों लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने वकालत, छात्रों ने स्कूल कॉलेज, मजदूरों ने फैक्ट्री एवं देशवासियों ने विदेशी सामान का उपयोग छोड़ दिया था। इसके परिणाम स्वरूप देश में ब्रिटिश शासन के पांव उखड़ने लगे, परंतु अपने चरम पर इस आंदोलन को गांधी जी द्वारा चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया। ब्रिटिश सरकार की जड़ों पर प्रहार करने के लिए गांधी जी द्वारा वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के दौरान देश में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और गांधी जी द्वारा इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा लोगों को आजादी प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगाने के लिए उत्साहित किया गया था। वर्ष 1942 आते आते ब्रिटिशर्स यह बात समझ चुके थे कि अब देश में अंग्रेजी हुकूमत गिने चुने दिनों की मेहमान है। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों से सहायता मांगी गई, परंतु देश में आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था। गांधी जी द्वारा देश की जनता को आजादी के लिए आह्वान करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम जोर लगाने के लिए उत्साहित किया गया, परंतु सही से समन्वय न होने के कारण आंदोलन अपने अपेक्षित लक्ष्यों को पूरा करने के असफल रहा था। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन। महात्मा गांधी किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सत्य और अहिंसा को सबसे मजबूत हथियार मानते थे। गांधी जी का मानना था कि न सिर्फ उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, अपितु उद्देश्य प्राप्त करने का साधन भी पवित्र होना आवश्यक है। लियो टॉल्स्टॉय और हेनरी डेविड थोरो जैसे पश्चिमी विचारकों का गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव था, जिनसे कि गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत ग्रहण किया था। गांधी जी द्वारा इन जीवन सिद्धांतों के आधार पर चरित्र निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी जी की मृत्यु, उनकी आयु और हत्यारे का नाम देश के इस महान सपूत की आजादी के सिर्फ एक वर्ष बाद ही 30 जनवरी सन 1948 को संध्या की पूजा के लिए जाते वक्त नाथूराम गोसे नामक हत्यारे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी की मृत्यु पर दुनिया भर के महापुरुषों ने शोक जताया था। दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी जी समाधि बनी है, जो आज भी करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये महात्मा गांधी जी की जीवन संबंधी घटनाओं की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और स्काईवे क्लासेज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।